ब्यावर के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बजट सत्र, बजट घोषणा के दौरान एक बार फिर ब्यावर को जिले का दर्जा नहीं मिल पाया है। हालांकि उम्मीद कायम है, कहा गया है कि उच्च स्तरीय कमेटी के रिपोर्ट के निर्णय के आधार पर ही जिले की घोषणा की जाएगी। ऐसे में बजट सत्र जारी है, 19 फरवरी से पहले रिपोर्ट के आधार पर जिलों की घोषणा की जा सकती है। लेकिन जो उम्मीद ब्यावरवासी इस बजट सत्र में कर रहे थे, इस बजट की घोषणा के दौरान कर रहे थे कि ब्यावर को जिले का दर्जा मिलेगा, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि जिले की निराशा ब्यावरवासी को हाथ लगी है। 67 सालों के संघर्ष का एक बार फिर परिणाम फिलहाल बजट घोषणा के दौरान नहीं निकल पाया है। ऐसे में धरना, प्रदर्शन, अनशन, पदयात्राओं का भी कोई राजनीतिक हल इस बजट सत्र के दौरान, बजट घोषणा के दौरान नहीं निकला। ऐसे में कहा जा सकता है कि क्या राजनीति का शिकार हुआ है ब्यावर, ब्यावर को जिले का दर्जा नहीं मिला। लेकिन उम्मीद कायम की जा रही है, ऐसे में ब्यावर ही नहीं अपितु दूसरे जो शहर जिन्हें जिले की घोषणा की बात कही जा रही थी उन्हें भी जिला नहीं बनाया गया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिले की घोषणा तो फिलहाल राज्य स्तर पर नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री आगामी समय में जिले की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद कायम है और ये 19 फरवरी तक ये घोषणा की जा सकती है अगर रिपोर्ट सामने आती है तो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलों की घोषणा होगी, फिलहाल जिलों की घोषणा नहीं की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्यावरवासियों को निराशा हाथ लगी है, निराश हुए हैं ब्यावरवासी इस बजट घोषणा के दौरान ब्यावर जिला नहीं बन पाया है।